सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मनीष, आप देख रहे हैं टेक्निकल मनुष्य। और आज हम बात करने वाले वीवो की तरफ से आए हुए नए मोबाइल के बारे में, वीवो V19। लेकिन अगर उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना। आपका कोई प्रश्न सुझाव हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। जैसे कि आपको पता ही है कि वीवो की वी सीरीज़ कितने वक्त से, या तो कह सकते हैं जब से वीवो स्टार्ट हुआ है उसी के आसपास के टाइम में ही वी सीरीज़ रिलीज़ हो गई थी, और तब से वीवो की वी सीरीज़ वाले मोबाइल्स आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता था, जो स्टार्टिंग में आते थे मोबाइल वो इतने अच्छे नहीं थे, पर अभी कुछ चेंजेस वीवो ने किए हैं और वो चेंजेस कितने ज़्यादा अच्छे हैं आज हम वो देखने वाले हैं। कि जैसा कि आपको पता ही है कि वीवो अपने प्राइस के हिसाब से ऐसे स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड नहीं करती है, पर देखते अब इस मोबाइल में उन्होंने क्या कह दिया है। तो स्टार्ट करते हैं इस मोबाइल के स्पेसिफिकेशन से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मोबाइल के प्रोसेसर के बारे में, जो है क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 712। जो मैं कहूँगा ये प्रोसेसर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इस प्राइस के हिसाब से। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो चलिए मैं स्टार्टिंग में इसका प्राइस बता देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि इस मोबाइल का प्राइस है 25,000 रुपीज़। जी हाँ, 25,000 में आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712, जो इस प्राइस रेंज के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको पता ही है कि 14,000 के रेंज में आपको पोको F1 मिल जाएगा, जिसमें स्नैपड्रैगन 845, इसके अंदर वो 10,000 से 11,000 एक्स्ट्रा ले रहे हैं। आप ये कहेंगे कि इस मोबाइल में कई सारे नए फीचर्स है, पर प्रोसेसर एक मोबाइल का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसे हर एक कंपनी को ध्यान देना चाहिए। और वीवो ने इसमें फिर से इतना ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर प्रोवाइड नहीं किया है, जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712। एटलीस्ट 765 तो दे ही सकते थे। अगर इस मोबाइल का प्राइस अगर 25,000 सच में इंडिया में आता है, तो इससे अच्छा तो मैं यही कहूँगा कि 5,000 और डालो और जाके एक OnePlus 7 ले लो, जो फ्लैगशिप फ़ोन है जिसके ना आपको स्नैपड्रैगन 855 मिलेगा, एक अच्छा सा प्रोसेसर, एक अच्छा सा रैम मिल जाएगा आपको 8GB 12GB का, और उसके ना एक अच्छा कैमरा मिलेगा। अगर हम बात करें इस मोबाइल की स्क्रीन के बारे में, तो 6.44 इंच का फुल HD स्क्रीन है, AMOLED डिस्प्ले लगा हुआ है। अगर हम बात करें इसके रैम के बारे में, तो 8GB का रैम है, 48 मेगापिक्सल का पहला कैमरा है, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल, थर्ड कैमरा है 2 मेगापिक्सल, और जो लास्ट माइक्रो शूटर कैमरा है वो भी 2 मेगापिक्सल का है। इस मोबाइल में एक और कैमरा सपोर्ट मिल ही रहा है, पर इसके अंदर जो कैमरा के मेगापिक्सल है, जिस पर वीवो को कम से कम ध्यान देना चाहिए था, उस पर भी इतना ध्यान नहीं दिया है वीवो ने। जो पहला कैमरा है 48 मेगापिक्सल, चलो तो ठीक है, पर सेकंड कैमरा जो अल्ट्रा वाइड शूटर है वो है 8 मेगापिक्सल्स का। वो तो खैर आपको फ़ोटोज़ के सैंपल्स आने के बाद ही पता चलेंगे कि वो पिक्चर्स कितने अच्छे हैं। और जहाँ तक बात है 25,000 के रेंज में आपको मिलने वाला 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, और अभी जो 128GB स्टोरेज अगर आपको लग रहा होगा कि 25,000 के हिसाब से अच्छा मिल रहा है, तो कई सारे मोबाइल्स हैं जो आपको 10,000 से 11,000 में भी आपको दे देंगे 128GB रैम, जैसे कि Y20i। इस मोबाइल में आपको मिलेगा एक ट्रिपल कैमरा सपोर्ट, बट इसके अंदर आपको मिलने वाला है एक 128GB का स्टोरेज और 6GB का रैम, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। 10,000 के रेंज में मोबाइल आपको 10,000 में पड़ेगा, उसमें भी आपको 128GB मिल रहा है, और आप इधर 15,000 ज़्यादा दे रहे हो। इस मोबाइल के अंदर आपको ना एक अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है, ना ही एक अच्छा कैमरा मिल रहा है। बात करें इस मोबाइल के अंदर बैटरी सपोर्ट के बारे में, तो आपको 4500 मिली एम्पियर की बैटरी मिलेगी 33W फ्लैश चार्जिंग के साथ में। अगर हम बात करें इसके स्क्रीन के बारे में, तो पंचुअल कैमरा मिलेगा इसके अंदर आपको, और अगर हम बात करें इसके फ्रंट कैमरा के बारे में, तो फ्रंट कैमरा तो ऑफकोर्स वीवो को ज़्यादा देना ही है। इसके अंदर आपको दिया हुआ 32 मेगापिक्सल का कैमरा फर्स्ट वाला, और सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का, यानी फ्रंट कैमरा आपको डुअल मिलने वाला है। अंत में तो बात यही आती कि वीवो अपने पुराने मोबाइल जैसे वही कर रही है कि फ़ोटो खींचते जाओ खींचते, और मोबाइल का कुछ काम ही नहीं है। अगर आप एक सेल्फी लवर हो तो शायद ही आप मोबाइल ले सकते हो, पर मैं रेकमेंड करूँगा
इस प्राइस रेंज में कई सारे अच्छे मोबाइल्स बाहर अवेलेबल है, जिसके ना आपको एक अच्छे प्रोसेसर मिल जाएंगे, आप कई सारे काम भी उसमें कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।